तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे जो प्रीवियस क्लास में था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मोलैरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन और मिक्सचर ऑफ टू आर मोर एसिड्स डिस्कस किया था। अब आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें रिलेशनशिप, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी व्हेन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन। तो अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है और हमको डेंसिटी दिया है, तो वहां से हम लोग मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो लेट अस सपोज दैट देयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ 30% वेट बाई वेट एंड हैविंग डेंसिटी 1.4 ग्राम पर एमएल। ये जो ग्राम पर एमएल है, इसको 1.4 ग्राम पर सीसी भी दिया जा सकता है। ग्राम पर एमएल और ग्राम पर सीसी एक ही चीज होती है। तो अगर हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो हमको, तो मान लो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब 30 ग्राम हो गया सॉल्यूट और 70 ग्राम हो गया सॉल्वेंट। अब यहां से हमारा W2 हो गया 30 ग्राम, M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। और अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.4 ग्राम पर एमएल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में हो गया 100 अपॉन 1.4 अपॉन 1000, इतना लीटर हो गया। अब हमको जब मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होती है तो मोलैरिटी हो गई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गया W2 अपॉन M2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 100 अपॉन 1.4 डिवाइडेड बाय 1000।
तो एक शॉर्टकट फार्मूला आ जाता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू 10xd, इसे काटेंगे 10 टाइम जाएगा, 10xd अपान मॉलिक्यूलर वेट, जहां पर एक्स हमारा, वेयर एक्स इज परसेंटेज बाई मास और परसेंटेज वेट बाई वेट है, एंड डी इज डेंसिटी इन ग्राम पर एमएल और इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इस फार्मूले का यूज हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू से एक बार देख लें कि अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया है, तो वहां से हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, वहां से हमारा जैसे कहा गया कि 30% वेट बाय वेट है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब 30 ग्राम सॉल्यूट हो गया, 70 ग्राम सॉल्वेंट हो गया, तो W2 हमारा कितना हो गया, 30 ग्राम, और M2 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट वो कंपाउंड के फार्मूले से पता चल जाएगा। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने 100 ग्राम अज्यूम कर रखा है, तो 100 अपॉन 1.4 ग्राम पर एमएल, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 अपॉन 1.4 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर में। तो मोलरिटी आ जाएगी 10xd अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जहां पर एक्स अगर हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट है और डी हमारी डेंसिटी है जो कि ग्राम पर एमएल में दी हुई है। अब इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच इज 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10% वेट बाय वेट दिया है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 10, और डेंसिटी हो गया 1.2 ग्राम पर सीसी। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट C6H12O6 होता है फार्मूला, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 12 × 6 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6, तो 180 ग्राम पर एमएल, 180 ग्राम पर मोल। तो मोलरिटी हो गई 10xd अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो 10 × 10 × 1.2 अपान 180। तो फाइनली मोलरिटी आ गई, और मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर होगी। तो डायरेक्ट हमने फार्मूले का यूज कर लिया कि अगर 10% वेट बाय वेट दिया है और डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एमएल दी है, तो 10% वेट बाय वेट का मतलब एक्स दिया है और डेंसिटी 1.2 दी है, तो एक्स हो गया 10 और डेंसिटी हो गया 1.2।
10 × 10 × 1.2 अपान मोलर मास ग्लूकोज का 180, तो ये हमारा आंसर आ गया। और मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मिक्सचर ऑफ एसिड्स देखा था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टोइकोमेट्री। तो स्टोइकोमेट्री है कि कोई रिएक्शन दिया है और रिएक्शन देकर पूछा गया है कि कितना क्या क्या बनेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो इसमें हम लोग कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता है और उसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज कितनी दी जाए तो कितना बनेगा। जैसे अब जैसे हमने कहा कि कंबसन ऑफ मीथेन हैपेंस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। कंबसन ऑफ मीथेन हैपेंस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। कंबसन का मतलब किसी भी चीज का ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो CH4G प्लस 2O2G एरो CO2G प्लस 2H2O G। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन मोल, अगर हम इस रिएक्शन को इंटरप्रेट करें तो हम कहेंगे वन मोल CH4 reacts with 2 moles of O2 to give 1 mole of carbon dioxide CO2 and 2 mole of H2O water। इसी तरीके से अगर हम इसको मास में, अगर हम इसको मास में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब CH4 प्लस 2O2G एरो CO2G प्लस 2H2O G। तो अगर हम इसका मास लिख दें तो हम लोग, अच्छा मास अगर हम लिखें तो ये हो गया 16 ग्राम और इसका मास लिखें तो ये हो गया 2×32 ग्राम और ये प्रोड्यूस किया 44 ग्राम और ये प्रोड्यूस किया 2×18 ग्राम। तो हम कहेंगे कि ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हम कहेंगे 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ 2×32 64 ग्राम ऑफ O2 टू गिव 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ H2O। अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि जिसमें
अगर सा इफ ऑल द गैसेज आर एट टेकन एट एचटीपी, इफ ऑल द गैसेज आर टेकन एट एचटीपी, तो हम लोग ये कह सकते हैं, तो ये सारी चीज वॉल्यूम में हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि 22.4 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ 2 × 22.4 लीटर ऑफ O2 टू गिव 22.4 लीटर ऑफ CH4 22.4 लीटर ऑफ CO2 एंड 2 × 22.4 लीटर ऑफ H2O एट STP। तो स्टोइकोमेट्री का मतलब, अच्छा ये जो 1 मोल और 2 मोल और ये लिख रहे हैं CO2 और वाटर, तो ये हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया। अगर हम इस बात को जनरलाइज कर दें, इस पूरे प्रोसेस को अगर हम जनरलाइज कर दें, जैसे अब यहाँ पर हम ये समझे कि जो बैलेंस रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट, इस रिएक्शन के हिसाब से 1 मोल CH4 मीथेन जब 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर जनरेट करता है, इसी चीज़ को 2 मोल H2O गैस, इसी चीज़ को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो हम कहेंगे 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 × 18 36 ग्राम ऑफ H2O। अगर सारे गैसेज सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं, या फिर हम लोग STP पर ले लें, तो अगर हम STP पर ले लेंगे तो हम कहेंगे कि 22.4 लीटर ऑफ 22.4 लीटर ऑफ मीथेन व्हेन रिएक्ट्स विद 2 × 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस गिव्स 22.4 लीटर ऑफ CO2 एंड 2 × 22.4 लीटर ऑफ H2O एट STP। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि हमसे कहा गया कैलकुलेट एग्जांपल, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट अमाउंट ऑफ CO2 एंड अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड बाय द कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस। अब हमसे कहा गया कि कितना बना, तो हम लोग इसका रिएक्शन लिख लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मीथेन के कंबसन का रिएक्शन जो होता है वो होता है CH4G प्लस 2O2G एरो CO2G प्लस 2H2O G, यह है। तो अगर 16 ग्राम मीथेन का कंबसन किया जा रहा है तो इसका मतलब जब इसका 1 मोल लगा है तो इसका 1 मोल बन रहा है और इसका 2 मोल बन रहा है। अच्छा, इसका 16 ग्राम है तो इसका 16 ग्राम अपान 16, इसका 1 मोल हुआ, तो इसका मतलब 1 मोल CO2 इज फॉर्मड। हम लोगों को ये करेस्पॉन्डेंस देखना है, 1 मोल CO2 इज फॉर्मड,
1 ग्राम इथेनॉल है, 1 मोल CO2 इज फाइन। 1 मोल CO2 का मतलब वेट इंटू मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स, 44 ग्राम CO2 बना। और यहाँ से अगर हम देखें तो 2 मोल H2O इज फार्म्ड, तो इसका मतलब 2 × 18 ग्राम मतलब 36 ग्राम H2O बन गया। तो एक मोल मीथेन के कंबसन से इसी तरीके से कहा गया कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर इट्स कंबसन। अब ये क्वेश्चन है, तो हम लोग अगर कंबसन का रिएक्शन देखें तो CH4G+2O2G AgCO2G+2H2O G, तो 22 ग्राम। अच्छा, अगर हम स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशियंट देखें तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1, इसका 2, ये सब क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इन्हीं के टर्म में रिएक्शन होती है। तो हम लोगों को ध्यान देना कि कितना है, 22 ग्राम मीथेन, 22 ग्राम CO2 का मतलब 22/44 मतलब 0.5 मोल। तो जब इसका 1 मोल है, 1 मोल CO2 है, तो यहाँ पर 1 मोल CH4 लगा है इस रिलेशन से स्टॉइकोमेट्रिक, यहाँ पर 1 है तो इसका 1 लगा है। तो इसका मतलब जब इसका 0.5 रहा होगा, मोल CO2 रहा होगा, तो इसका भी 0.5 मोल्स ऑफ CH4 रहा होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 रिक्वायर्ड वो आ जाएगा हमारा 0.5 मोल। मान लो ये पर मास पूछा होता तो 0.5 × 16 तो आ जाता 8 ग्राम। तो स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशियंट जो है वो एक करेस्पॉन्डेंस रिलेशन टाइप का होता है कि जिसमें 0.5 मोल लगा है। इसी में कहा जाता कि अब जब इसका 0.5 मोल लगा है, 0.5 मोल CO2 है, तो जब इसका 1 लगा है तो इसका 2 लगा है, तो 0.5 × 2 1 मोल H2O भी बना होगा। तो यहीं पर हम लोग कह सकते हैं कि 1 मोल H2O इज फार्म्ड। ये स्टॉइकोमेट्री पर नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए। स्टॉइकोमेट्री पर अभी एक दो एग्जांपल हम लोग और देखेंगे, जैसे क्वेश्चन कहा गया कि
कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस. क्वेश्चन है एग्जाम्पल. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन कंबसन ऑफ 60 ग्राम ऑफ इथेन. इथेन का फार्मूला C2H6 ये कहा गया. तो इथेन के कंबसन का रिएक्शन C2H6 प्लस O2 एरो 2CO2 प्लस 3H2O प्लस 7/2 ये रिएक्शन. अब जब इसका 1 मोल लगा है तो इसका 7/2 मोल लगा है तो इसका 2 मोल बना है और इसका 3 मोल बना है. ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हमको बताता है. तो 60 ग्राम मीथेन का मतलब 60 ग्राम C2H6 का मतलब 60 अपॉन 30 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो इसका 2 मोल लगा तो इसका 7/2 × 2 मोल O2 हो गया है और इसका 2 × 2 मोल CO2 हो गया और इसका 3 × 2 मोल H2O हो गया. सब में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1 के लिए रेशियो पता है. तो ये हो गया 4 मोल ऑफ CO2. तो मतलब 4 × 44 ग्राम मतलब 176 ग्राम CO2 इज फॉर्म्ड. तो ये हो गया स्टोइकोमेट्रिक बेसिक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर क्वेश्चन. ऐसे भी दिया जा सकता है कि ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं जैसे वॉल्यूम दे दिया जाए तो वॉल्यूम दे दिया जाए तो वॉल्यूम से पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे फिर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे. ओवरऑल हमको करना क्या है जैसे कहा गया एग्जांपल. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फॉर्म्ड अपॉन डिकम्पोजिशन ऑफ 34 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस. तो अमोनिया गैस तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस इज अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन. तो 2NH3G एरो N2G प्लस 3H2G ये रिएक्शन होता है.
अब स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशियंट अगर हम देखें तो जब इसका 2 मोल टूटता है तो इसका 1 मोल और इसका 3 मोल बनता है। जब इसका 2 मोल डिकम्पोज होता है तो अमोनिया का 1 मोल। अच्छा, अब इसका कितना दिया है, 34 ग्राम। तो 34/17, तो ये 2 मोल हो गया, तो इसका मतलब 1 मोल N2 इज फॉर्म्ड। और यहाँ से 1 मोल N2 का मतलब 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। और यहां से 3 मोल H2 इज फॉर्म्ड, इसका मतलब 3 × 2, 6 ग्राम हाइड्रोजन। तो इसका मतलब 2 मोल अमोनिया के डिकम्पोजिशन से 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो 28 ग्राम N2 इज प्रोड्यूस्ड और 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे।